हूँ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी लाना, नजर तो है लग जाएगी, हूँ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी लाना, नजर तो है लग जाएगी मेरे तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, 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 प्यारा लागे ये पीला तेरा पटका, प्यारा लागे ये पीला तेरा पटका, प्यारा लागे स्वरूप रो वर्णन करे, लेकिन उनने बाद में भक्त लोग भगवान रे मुरली रो वर्णन करे के भगवान रे मुरली केड़ी बाजती के बे सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले, मेरे जीवन के द्वारे ही खोले, तेरी मुरलिया मीठी मीठी
बोले मेरे जीवन के ताने नी बोले तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले मेरे जीवन के द्वार खोले तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले छुपाए गीता का ज्ञान इसमें छुपाए गीता का ज्ञान इसमें छुपाए सृष्टि का भान इसमें छुपाए सृष्टि का भान मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया कावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया प्यारो लागे वृंदावन धाम रहा है मेरो बाकी बिहारी तो आगे वृंदावन धाम रहा है मेरो बाकी बिहारी वास्ते भगवान रो स्वरूप एडो हो भगवान जी मुरली एडी बाज थी जो उन सुन प्राण सब लोग मगन हो जावता और एक भक्त तो कहवे कि विश्वरा सबसो अच्छा संगीतकार कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है क्योंकि संगीत में तीन चीजें होया करे गायन वादन और नृत्य ए तीनों ही चीजें भगवान श्री कृष्ण रे बहुत सबसे अच्छी है भगवान श्री कृष्ण रो गायन देख लो महाभारत रे रण मैदान में भगवान जो आप रे मुंडा सु गीत गायो उनो नाम पढ़ियो श्रीमद भगवद गीता जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में दुनिया रो एड़ो कोई प्रश्न नहीं जिनो उत्तर भगवत गीता में नहीं नया नया प्रश्न लोग करे लेकिन उन सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में लिखियोड़ो है तो ऐडो भगवान रो गायन है कि उन गायन सो जो गीत बनियो उन आपा गीता कहवा और बहुत सुंदर गीता है और गायन भगवान श्री कृष्ण रो बहुत बढ़िया और भगवान रो वादन वादन तो भगवान रो कहना ही कहीं भगवान काई मुरली बजावे है काई मुरली बजावे है ये मुरली री आवाज सुनते ही सब लोग में मगन हो जावे मुरली री आवाज भी बहुत भगवान रे द्वारा बहुत अच्छी बजाई जाती मुरली आवाज भी भगवान सभी लोगों ने मगन कर देती आज भी यदि आप मुरली सुना तो आपने दिल ने सुकून देवे तो उन टाइम भगवान रे द्वारा मुरली बाजती तो उन टाइम तो सब लोग मगन हो जाता तो भगवान श्री कृष्ण रो गायन भगवान श्री कृष्ण रो वादन और तीसरी चीज है भगवान श्री कृष्ण रो नृत्य नृत्य तो पूछो ही मत काई भगवान श्री कृष्ण जद काल्य दमन करियो काल्य नाग सो युद्ध करता भगवान काई उन्हें फणो मत छलांग मारी और भगवान काई तांडव नृत्य करियो नृत्य में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर है तो ये तीनों ही चीजा बहुत सुंदर है भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान इन प्रकार गाया चरान पांचा पधारिया अपने घरे भगवान रात्रा सूता लेकिन भगवान ने नींद नहीं आई भगवान मन में सोचियो कि मैं जिन काम रे वास्ते अठे आयो हूं वो काम तो हाल में पूरु करियो ही कोनी मैं आयो हूँ अटे ब्रिजवासियों ने सुख देवन वास्ते आनंद देवन वास्ते आयो हूँ लेकिन मने नहीं लागे कि मैं ब्रिजवासियों ने सुख दे दियो
क्योंकि ऊपर सूडने वालों पक्षी यदि यमुनाद्र जल पी ले तो वो मर जावे, यदि कोई गाय यदि कोई पशु भी यमुनाद्र जल पी ले तो वो मर जावे, क्योंकि यमुना जिरे अंदर जो काली नाग बैठो है उन काले नाग रे जहर सो सारी यमुना जी प्रदूषित हो गई है। इन वास्ते मने काले दमन करनो पड़ेला। और सुबह भगवान उठिया सभी मित्रां से मिलिया तो मित्र कहो काहीं का नहीं है आज आप गाय चराउन वास्ते चलना, कहो नहीं आज गाय चराउन ने छुट्टी आज तो आपा खेल खेला। बोले अच्छा कटो खेला भगवान को यमुना जी किनारे, कहो अरे कन्हैया यमुना जी किनारे जित एक बाल बाल कहो कन्हैया मारा माता पिता मारा घना उपवास करिया घना व्रत करिया जन कट जन अपन श्रीमान जी जन्म हो एन तू कह यमुना जी किनारे खेला। अरे भाई कटे पग दिशल गयो पड़ गया यमुना जी में मर गया डूबन तो मारे माता पिता की हालत कहीं वे ही। इन वास्ते मैं तो यमुना जी किनारे नहीं खेलूँ। यूँ एक जड़ो मना करियो तो दूजड़ो मना कर दियो, दूजड़ो मना करियो तीजड़ो मना कर दियो, यूँ करण सारा मित्र मना कर दियो। जो भगवान मन में सोचो रे यूँ तो बचे अपनो काम वेला ही कोनी तो बचे काली दमन की कर कराला। भगवान कहो अरे मित्रों आपा को यमुना जी माए जान थोड़ी खेला। तो बोले यमुना जी किनारे जो बड़ो मैदान है उन मैदान में खेला। कहो हाँ कन्हैया आ बात तो ठीक है। श्री रामा कहो प्रभु मारे कने रेशम रे पट्टाली गेंद है। तो भगवान क्यों मारे कने चंदन रो बल्लो है चलो। और भगवान आ गया सारा मित्रों ने लेन और भगवान खेल खेलने से पहला खेल जो नियम बनायो भगवान कहो कि देखो जिन्हें हाथ सु भी गेंद यदि यमुना जी रे अंदर चली गई तो बोझ पाछो गेंद ने लेन आवेला। कहो ठीक सारा खेल खेलन लगा और खेलता 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 जो ही भगवान रे हाथ में गेंद आई के भगवान जान बूझन बा गेंद यमुना जी रे अंदर फेंक दी। जो ही यमुना जी रे काली देह में गेंद चली गई जन भगवान ने क्यों देखो मित्रों अपना तो खेल रो नियम हो के जिन्हें हाथ से भी गेंद यदि यमुना जी रे अंदर चली गई तो बोझ पाछो लेना वेला, मारे हाथ से गई है तो मैं लेना हूँ। मित्र कहो नहीं 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 कन्हैया तू मत जा, अरे गोली मार गेंद ने आपा दूजी गेंद ले आवा तू मत जा। भगवान कहो नहीं भाई कानून तो कानून नियम तो नियम रूल तो रूल। अरे भाई खेल रो नियम बनियोड़ो है कि जिनने हाथ से भी गेंद दी यमुना जी रे अंदर चली गई तो बोझ ले ना वेला, तो बचे मैं कौन हूँ जो नियम ने तोड़न वालो। अरे मैं नियम ने नहीं तोड़ूंगा मारे हाथ से गई है तो मैं लेना हूँ ला। गणो ही मना करियो लेकिन भगवान तो मानिए ही नहीं। भगवान ने गणो ही मना करियो लेकिन मना करता करता ही भगवान तो चढ़ गया पेड़ माते और गणो ही मना करियो तो भी भगवान तो छलांग लगाई दी। अबे भगवान काली देह अंदर गया तो उन टाइम तो काली नाग सो रही हो लेकिन काली नाग री जो नाग पत्नियां ही बे भगवान सो भगवान ने परिचय पूछन लगी कि अरे बालक तू कौन है तू अठे क्यों आयो है थारो नाम कहीं है। इन प्रकार नाग पत्नियां भगवान सो भगवान ने परिचय पूछन लगी कौन दिशा सो आयो रे बालक क्या तुम्हारो नाम है। कौन सखी के पुत्र कहिजे क्या तुम्हारो गाँव है। कौन सखी के पुत्र कहिजे क्या तुम्हारो गाँव है। माता यशोदा पिता नंद बाबा कृष्ण हमारो पिता नंद बाबा।
सासू आयो रे नागिन गोकुल मारो गाव है। पूर्व दिशा से आयो रे नागिन गोकुल मारो गाव है। भगवान केवल लागा कि मैं पूर्व दिशा से आयो हूँ, मारो नाम कृष्ण है, मारे माता पिता रो नाम यशोदा जी नंद बाबा है और मारो गांव गोकुल है। नागिन में नाग पत्निया कहो, अरे बालक जे थने थारो सारो परिचय ठा है तो बचे अटे क्यों आयो है? काई तो मारक भूल गयो है या घर से रियाणो करण आयो है? भगवान क्यों नहीं, न तुम्हें मारक भूलियो हूँ, नहीं रस्तो भूलियो हूँ, नहीं घर से गुस्सा होन आयो हूँ, बल्कि मैं तो जो थारो पति है नी कालिये नाग उनसे युद्ध करने वास्ते आयो हूँ। कहो, अरे बालक तू छोटो है इन वास्ते माने थारे माते दया आवे है, इन वास्ते चुपचाप अटून चलो जा, वरना कालिये नाग तने देख लियो तो थाने जिंदो नहीं छोड़ने ला, चलो जा। भगवान कहो, अरे यदि मैं थारे पति कालिये नाग से डरतो नहीं तो मैं अटाव तो ही को नहीं, मैं तो आयो ही इन वास्ते हूँ, थारे पति से युद्ध करने वास्ते आयो हूँ। तो वो सो रियो है, जगाओ उन्हें और कह दो कि एक बालक थारे से युद्ध करने वास्ते आयो है। घणो ही मना करियो भगवान ने, लेकिन भगवान मानिया नहीं और जान नाग पत्निया काली नाग ने उठायो। काली नाग उठियो जो भगवान ने देख किया तो इतो गुस्सा आयो कि भगवान के पूरे शरीर में लिपट गयो। भगवान की बहुत ताकत है काली नाग में भी, कोई बात नहीं, भगवान एक झटको दियो और छूट गया उनसे। और अबे भगवान उनसे रक्षात्मक युद्ध करने लग गया। युद्ध करता 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 भगवान छलांग लगाई काली नाग के फणों माते और भगवान तांडव नृत्य शुरू कर दियो। अबे भायो काली है पगु 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 पड़त, अबे भायो काली पगु 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 पड़त, अबे भायो काली। युद्ध करता करता उन्हें फणों माते तांडव नृत्य करने लग गया और तांडव नृत्य करता करता जब काली नाग रे फणों से खून भी धारा आवन लगी, जने नाग पत्निया भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और कहो, प्रभु अरे मानो माने पति माते दया करो, और मर जावेला, छोड़ दो आप। भगवान कहो, इन्हें छोड़ तो देवा, लेकिन वही कि तो घमंडी है कि आप माथो इन्हें झुकावे, कम से कम माथो तो झुका। काली नाग कहो, हाँ मैं माथो तो झुकाऊंगा, लेकिन यूं नहीं, मारा कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का जवाब दो तो मैं माथा झुकाऊंगा, यूं नहीं। कहो, अच्छा पूछ। कहो, बताओ इन दुनिया ने कौन बनाई? भगवान, क्यों मैं बनाई? इन दुनिया में सर्पों ने कुण बनाया? भगवान, क्यों मैं बनाया? सर्पों में तो जहर कुण दियो? भगवान, क्यों वो भी मैं ही दियो?
तो सर्पों ने इतना क्रोधी कुण बनाया, भगवान क्यों बेबी मेज बनाया। जड़ कहो कि भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, जब सब कुछ करने में आप ही समर्थ हो तो फिर मुझे क्यों मारते हो, क्योंकि मुझे भी आपने ही बनाया है तो फिर मुझे क्यों मारते हो, इसमें मेरा क्या दोष है। भगवान ने कहो नहीं काली नाग, बस तू मारो केवल एक कहणो मान ले, मैं थनाल मृत्यु दंड दियो नहीं हूँ, छोड़ रियो हूँ, केवल तुम्हारो एक कहणो मान ले। बोले काई, बोले तुम्हारी यमुना जी ने छोड़ दे और रमणक द्वीप में चलो जा। कहो अरे बाप जी थे काई कह लिया हो, मैं यदि इन्हें छोड़ प्राण यमुना जी ने छोड़ चलो जाऊँगा तो आप रो जो प्रिय भगत है नी गरुड़, वो मने दे क्या छोड़े को नहीं, वो मने मार दे वेला। भगवान कहे अरे पागल, तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह मंडे हुए हैं, तो अब तो गरुड़ तो क्या काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, निश्चिंत होकर चला जा। तो भगवान काली नाग ने भेज दियो